बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ भुने हुए काले चने बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो भुने चने हमें बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन घर के अंदर भी हम इन्हें बहुत ही आसानी से, साफ़ सुथरे तरीके से, बिल्कुल बाज़ार जैसे भून कर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ नमक के अंदर और रेत के अंदर किस तरीके से चनों को भून सकते हैं, दोनों तरीके ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए जल्दी से करारे करारे मज़ेदार से भुने चने बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, ये मैं सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये सॉल्ट मैंने कई दफ़ा पहले भी यूज़ किया हुआ है, नॉर्मल ही ये सॉल्ट है। ये आपको थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा लग रहा होगा, ये क्योंकि मैंने कई दफ़ा चने इसके अंदर भुने हैं, ये थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है। थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। ये वही सॉल्ट है जो हमारे किचन में हमेशा हम यूज़ करते हैं अपने खानों में। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, हाई फ्लेम पर फ्लेम को मैंने ऑन किया है। मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह हमने गर्म होने देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको गर्म करना है। जितना अच्छा हमारा सॉल्ट गर्म होगा उतने ही इजीली हमारे जो चने हैं वो भुनेंगे। ठंडे हम सॉल्ट के अंदर डाल लेंगे तो चने फिर खुलते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं चने, ये काले चने हैं, ये वो चने नहीं हैं जिनके साथ हम सालन वगैरह बनाते हैं। ये थोड़े से उन चनों से मोटे होते हैं। अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। जहाँ से हमें दालें वगैरह, चने, नॉर्मल चने पकाने के लिए हम लेते हैं ना, वहीं से ये चने भी मिल जाते हैं। ये देखें, एक प्याली के अंदर मैं पानी ले रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं चाहिए। जब हम चनों को भूनें तो ये बहुत ही अच्छे से, प्यारे से देखने में लगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। ये हमने डाल लेनी है, तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम ही मैंने ली है। अच्छे से हल्दी को मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि हल्दी का जो कलर है ना वो हाथ को ना लगे। ये जो हल्दी वाला हमने पानी बनाया ना, इसमें से हमने थोड़ा सा ले लेना, तकरीबन 2 टीस्पून हमने लिए हैं पहले। अच्छे से हमने चनों को मिक्स कर लेना, सारे चने हमने अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर लेने हैं ताकि ये गीले हो जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है चनों को भूनने के लिए। अगर हम पानी से ये चने गीले नहीं करते फिर अच्छे से चने ना खुलते नहीं हैं। ये आपने ज़रूर नोट करनी है मेरी बात। थोड़ा सा 1 टीस्पून पानी और डाल लेंगे। मैं आज आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी कि सॉल्ट के अंदर हम इनको कैसे भून सकते हैं और नॉर्मल हम रेत के अंदर, या जिसे हम सैंड कहते हैं, उसके अंदर हम इसको कैसे भून सकते हैं। अब ये रेडी हो गए हैं भूनने के लिए। 3-4 चने लेकर तो हमने इस तरह उनको भून कर देख लेना है। ये तो हमने बस सिर्फ ये चेक कर लेना है कि हमारा जो सॉल्ट है वो गर्म हो चुका है कि अभी ठंडा है। चारों चने हमारे जो है ना वो भून कर निकले हैं, खिल गए हैं ये बिल्कुल, तो इसका मतलब है हमारा सॉल्ट बिल्कुल गर्म है। अब हमने क्या करना है, इसमें से थोड़े से चने लेने हैं। देखें, चनों के अंदर ज़्यादा पानी ना हो, लेकिन थोड़ी सी ये नमी सी इसके अंदर होनी चाहिए, हल्के हल्के से या डैम्प से होने चाहिए। थोड़े से हमने चने ले लेने हैं, इतने से ही लेंगे पहले हम, इतने से ले लेते हैं। और इनको हमने इस तरह सॉल्ट के अंदर डाल लेना है और इनको हमने भून लेना। कितने अच्छे ये खिलते जा रहे हैं, बहुत जल्द हमने इसको ना ऐसे जल्दी से हाथ चलाना है। यहाँ पर देखें, ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं। हमने ख्याल रखना, इस तरह हमने सिव रख लेनी है कोई, जिस तरह ये मैंने रखी है, इस तरह हमने इनको निकाल लेना है।
बहुत ज़्यादा ये जल ना जाए, फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता खाने में। यहाँ पर देखें कितने अच्छे ये बने हैं, देखें थोड़ा सा इनके ऊपर अभी सॉल्ट लगा भी हुआ है ना, वो हम कपड़े के साथ भी इनको साफ़ कर सकते हैं। और इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, ऐसे आपने सीव के अंदर रखते हुए स्पून के साथ इनको ऐसे इनका सॉल्ट जो है ना मज़ीद उतार लेना। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनका रिज़ल्ट आया, सारे ही हमारे चने खिल चुके हैं माशाल्लाह। इनको हमने निकाल लेना, क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे हमारे बहुत ही मज़ेदार से देखे चने कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छे से हमने सॉल्ट को फिर से ऐसे स्प्रेड कर लेना। जब एक दफ़ा सॉल्ट हमारा गर्म हो जाता है ना, फिर ज़रा भी देर नहीं लगती चनों को भूनने में। यहाँ पर थोड़े से चने मैंने फिर से ले लिए, इस तरह फिर हमने इनको सॉल्ट के ऊपर ऐसे डाल लिए। अच्छे से हमने इनको ऐसे मिक्स कर लेना, हर साइड से सारे चने हमने चारों साइडों से ऐसे ऐसे गोल स्पून को घुमाते हुए हमने सारे मिक्स करते जाना है और इनको भूनते जाना है। तकरीबन डेढ़ मिनट या दो मिनट से ये ज़्यादा नहीं लेते। देखिए मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर वीडियो को मैं ज़रा भी पॉज नहीं कर रही हूँ, मसलसल आपको भूनते हुए सारा देखें दिखा रही हूँ। कितने अच्छे ये बने हैं माशाल्लाह, कितने आसानी से हम घर में इनको बना लेते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। इस तरह हमने फिर से सिव ले लिए, अच्छे से चेक कर लेना है कि सारे चने हमने निकाल लिए हैं। जब हमने निकाल लिए हैं ना, तो फिर हमने एक दफ़ा इनको अच्छे से ना इस तरह कर लेना, इनको भी अब हम निकाल लेंगे। देखें इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कितने ये क्रिस्पी बने हैं। अब यहाँ पर मैंने दूसरी वाली कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने सैंड डाल लिया यानी कि रेत, इसको भी मैंने गर्म होने के लिए रखा है। अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर हमने रेत को भी गर्म कर लेना है, उसी तरह जिस तरह हमने सॉल्ट को गर्म किया था। ये वही चने हैं जो हमने हाफ सॉल्ट के अंदर भुने थे ना, हाफ मैंने बचा लिए थे आपको दिखाने के लिए सैंड के अंदर भुनने के लिए। ये मैं दो तरीक़ों से आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि सॉल्ट में हमें सॉल्ट नहीं खाना, सॉल्ट उनको अच्छा नहीं लगता चनों के अंदर, तो वो रेत के अंदर भी भून सकते हैं। इनको अब हमने सैंड के अंदर भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेने, थोड़े थोड़े लेने हैं ताकि ईजीली ये जो है ना इनको स्पेस मिल सके फूलने के लिए, ओपन होने के लिए। बहुत जल्दी ये पॉप हो जाते हैं। मैं क्लोज आपको करके दिखा दूं, और इनको भी हमने इसी तरह निकाल लेना जिस तरह हमने सॉल्ट में से निकाला था चने को। अच्छे से हमने सारे चने निकाल लेने हैं। अगर कोई रह जाता है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, वो आपने फेंक देना है निकाल कर। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह भूनते हुए चनों में से कोई कोई छिलका जो है ना वो खुद ही उतर जाता है, तो वो हमने हटा लेना है। यहाँ पर देखें कितना अच्छा इनका भी रिज़ल्ट आया है, इनको भी हमने इसी तरह निकाल लेना। देखें आपने देख लिया है कि हम घर में भुने हुए चने कितनी आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया है और अच्छे तरीके से समझा भी दिया है कि सैंड के अंदर, रेत के अंदर और नमक के अंदर हम चनों को किस तरीके से भून सकते हैं, और इनका रिज़ल्ट आपके सामने है। यहाँ पर मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। एक ही हाथ से देखें, ये मैं एक चना ले रही हूँ, इस तरह इनके छिलके उतरते हैं। देखें कितनी आसानी से इनके जो है ना छिलके उतर रहे हैं। देखें मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।